तो बेनीवाल जी, आप थोड़ा समाज का भी काम कर रही हैं और समाज का दर्द भी आपके अंदर, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या जागृति फैलाना चाहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि जागरूक बने, अपने अधिकार को जानें, क्योंकि महिलाओं का ना हमेशा शोषण होता आया है, चाहे पुरुषों के रूप में, चाहे जातिवाद के रूप में, हर रूप में महिलाओं का शोषण होता है और आज भी हो रहा है, लड़कियों का हो रहा है। अब लड़कियों ने स्कूल सिर्फ इसलिए जाना शुरू किया है कि स्कूलों में पैसा मिलता है, उनको अभी भी नहीं पता अपना अधिकार, नहीं पता उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये शिक्षा पेरेंट्स को देनी चाहिए, उनको बचपन से ही बताना चाहिए कि तुम शिक्षित हो गए तो क्या कर सकते हो। जब तक पेरेंट्स ये नहीं बताएंगे, माँ बाप ये नहीं बताएंगे अपने बच्चों को शिक्षा का कलम की ताकत क्या है, जब तक बच्चों को कलम की ताकत नहीं पता चलेगी, वो क्या कर सकता है ये नहीं पता चलेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो लड़कियाँ पढ़ रही है कि चले जाते हैं स्कूल में पैसे मिल जाते हैं इसलिए चली जाती है, तो गलत है। उनको अपना अधिकार पता होना चाहिए, अपने अधिकार के लिए पढ़ना चाहिए, कुछ करने के लिए पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वो सोचती है कि शादी के बाद क्या करना है, कि रोटी तो बनानी नहीं, रोटी नहीं बनानी, वो काम वाली बनकर क्यों रहे जबकि वो काम वाली रख सकती है अपने यहाँ पर, होटल चले जाएंगे, रोटी तो बनानी नहीं, वो तो बनानी पड़ेगी, लेकिन एक एज अ काम वाली नहीं ना। अब मैं एक और चीज बताती हूँ, महिलाओं की स्थिति बताती हूँ। एक आदमी बाहर से कमाता है, वो क्यों कमाता है? क्योंकि एक महिला घर में दिन रात काम करती है, पूरा सपोर्ट करती है, बच्चों को संभालती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, उनका खाना बनाती है, तब एक आदमी कमा पाता है। अगर औरत ये सब ना करे ना, और आदमी को ये सब करना पड़े, तब कमा के दिखा दे। और औरत में इतनी ताकत है, ये सब करने के बावजूद कमा लेती है, और आदमी सब करने के बावजूद कमा नहीं सकता। लेकिन ये तो मातृशक्ति इसीलिए कहा जाता है, ये मातृशक्ति का मानना ही है कि इस मातृशक्ति ने लेके देश के राष्ट्रपति से लेकर और एक नीचे के तब तक पैदा किया है, तो मातृशक्ति तो अपने आप ही है। मैं बताती हूँ ना, ये मातृशक्ति ना सिर्फ कहने के लिए है, असलियत में तो आज भी औरत को ना नीचे निगाहों से कहते हैं। अगर एक औरत अपने आदमी को ना नजर मिला के बात कर ले ना, आदमी कहता है नीचे नजर कर, तू मेरी औरत है। ये आदमी का जो टोन होती है ना, कि औरत को नीचे नजर होनी चाहिए, औरत तब के रहनी चाहिए, तो ये तो कहने की सोच है कि औरत बराबरी कर रही है या मातृशक्ति है। मातृशक्ति जब व्रत होता है ना, दुर्गा माँ के दिन होते हैं, उस दिन माता रानी की पूजा होती है, असलियत में तो औरत की पूजा होती ही नहीं। असलियत में आदमी ये सोचता है कि औरत सिर्फ शोषण के लिए है, वो सिर्फ शोषित होती रहे और कुछ ना अपना अधिकार ना मांगे। और जिस औरत ने अपना अधिकार मांग लिया, उसके सीधा धब्बा लगा दिया जाता है कि इसको तो आवारागर्दी करनी है। हमारा गर्दी करनी है ना, आपने कहा कि दुर्गा की ही पूजा होती है, लेकिन बहुत से परिवारों के अंदर अपने माँ बाप की पूजा करते हैं और अपनी धर्म पत्नी को भी उतना बराबर का एक पत्नी नहीं बल्कि एक दोस्त मानते हैं। दस में से सिर्फ दो घर होते होंगे जिस घर में औरत को बराबर माना जाता होगा, लेकिन आज भी पुरुषों की वही सोच है कि औरत सिर्फ पैरों की जूती है, औरत को सिर्फ दबके रहना चाहिए, औरत का कोई अधिकार नहीं है पुरुषों से ऊंची जबान में बात करने का, नजर मिला के बात करने का। औरत को घर संभालना चाहिए, और पर उनको यह भूल जाता है कि औरत के वजह से ही वो आदमी वहाँ पर है जो कामयाब है, औरत की वजह से। या तो माँ के रूप में औरत मदद करती है, बहन के रूप में औरत मदद करती है, वाइफ के रूप में तो करती है, बेटी के रूप में मदद करती है, तब आदमी वहाँ पहुँचता है। पर आदमी सब पहुँचने के बाद भूल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं। औरत जिस औरत का दूध पीकर वो बड़ा होता है ना, तो बहुत शर्म की बात है कि उस औरत के सीने पर आदमी की हमेशा नजर रहती है, बहुत गर्व शर्म की बात है। बेनीवाल जी, हम युवाओं को क्या संदेश दें कि वो आगे आए, पढ़े लिखे और आप जैसी महिला आगे आके, और ये नेशनल चैनल जो आज 11-12 देशों के अंदर जा रहा है और 11-12 देश आपको देख रहे हैं, आप चीख रही हैं, आप स्वतंत्र हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने युवाओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि बुरे लोगों की कमी नहीं है, कृपया करके अच्छे बन जाइए। आप अच्छे बनोगे, तारीफ आप ही की होगी और किसी की नहीं होगी। बुरे लोग तो बहुत पड़े हैं, गलत काम बहुत लोग कर रहे हैं, कोशिश करें अच्छे बने, कुछ तो बदलाव लाएं। एक एक इंसान, अगर हर इंसान सोच रहे ना मैं अच्छा बन जाऊं, तो सब अपने आप अच्छे बन जाएंगे। धन्यवाद।